आपने सुना ही होगा कि महिलाओं के पेट में कोई भी बात नहीं पचती। ये क्यों और कैसे हुआ ये जानकर आपको आश्चर्य होगा। इसका संबंध महाभारत काल से जुड़ी एक घटना से है। ये एक श्राप है जो धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी माता एवं समस्त नारी जाति को दिया था। जो पांडव अपनी माता का शब्द पत्थर की लकीर मानते थे, ऐसे में आखिर क्यों दिया युधिष्ठिर ने माता कुंती को श्राप, आज हम जानेंगे। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी जानते हैं कि माता कुंती के 5 पुत्र थे जिनमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एवं सहदेव थे। नकुल और सहदेव कुंती की सौतन माद्री के पुत्र थे। इनके अलावा भी कुंती का एक और पुत्र था और वो था महापराक्रमी कर्ण, जिसे कुंती ने जन्म के समय ही त्याग दिया था। कुंती धर्मपरायण नारी थी जो सदैव सेवा एवं पुण्य के कार्य करती थी। एक बार उन्होंने सच्चे मन से ऋषि दुर्वासा की सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक मंत्र दिया, जिसके प्रभाव से कुंती जिस भी देवता से संतान प्राप्ति की इच्छा रखेंगी उसे प्राप्त होगा और इससे कुंती के कौमार्य पर कोई हानि ना होगी। यह आशीर्वाद प्राप्त कर कुंती जब अपने राजमहल आई, उसके मन में ये विचार आया कि क्यों ना इस मंत्र का प्रयोग करके देखे, और उसने सूर्य देवता का आवाहन किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें कर्ण की प्राप्ति हुई, जिसे देख कुंती भयभीत हो गई कि अब वे इस बालक को, इस शिशु को कैसे अपने साथ रख पाएंगी। बिना विवाह के इस पुत्र को साथ रखने से कुंती एवं पुत्र दोनों के चरित्र पर सवाल उठेंगे। इस प्रकार बालक का जीवन व्यापन दुभर हो जाएगा। अतः उन्होंने कठोर मन से कर्ण को त्यागने का निर्णय लिया। कई वर्षों पश्चात कर्ण जब युवा हो गए, तब दुर्भाग्यवश उनकी मित्रता दुर्योधन से हो गई और वे महाभारत के उस प्रचंड युद्ध में अपने ही सगे भाइयों के विरुद्ध लड़े। किंतु फिर भी कुंती ये सत्य अपने अन्य 5 पुत्रों से कह नहीं पाई, जिसके फलस्वरूप कर्ण अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गया। जिसकी खबर मिलने पर कुंती दौड़ती हुई रणक्षेत्र में आई और युधिष्ठिर से कर्ण का अंतिम संस्कार कहने को कहा, जिस पर पांडवों ने कुंती से इसका कारण पूछा। तब कुंती ने सभी को संपूर्ण सत्य बताया। माता कुंती ने कहा कि कर्ण तुम सबका ज्येष्ठ भ्राता है, जिससे दुखी होकर युधिष्ठिर अपनी माता कुंती को श्राप दे देते हैं कि जिस सत्य को छुपाने से भाई के हाथों भाई की मृत्यु हुई, ऐसे सत्य कभी कोई नारी जाति अपने भीतर छुपा नहीं पाएगी। तब से ये कहा जाता है कि कभी भी किसी भी नारी के पेट में कोई रहस्य नहीं रह सकता। लोक लज्जा के कारण कुंती ने ऐसा त्याग किया। पुत्र के सामने होते हुए भी वो उसे अपना ना सकी और भाई के हाथों भाई का वध हुआ। ऐसी ही रोचक कथाओं से सजा हुआ है महाभारत का इतिहास। इन पौराणिक कथाओं से ही हमें कई प्रचलित परंपराओं के कारण पता चलते हैं तथा जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसकी सीख भी हमें महाभारत से मिलती है। जय श्री कृष्ण।